गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी बस सो के उठा ही हूँ, आज बहुत लेट हो गया था बिकॉज ट्रेल राइड पे नहीं गए, ट्रेल का प्लान नहीं था। तो टुडे वी आर गोइंग टू जेवर एक्सप्रेस वे विद लाला जी एंड वन मोर फ्रेंड ऋतुराज सिंह। तो चलिए आज जेवर चलते हैं, देखते हैं जेवर में कैसी रहती है। Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. And today we are going to Jewar with Lala Ji again. Lala Ji, वही जो मुरथल में हमारे साथ गए थे, आज मैं उनके साथ Jewar जा रहा हूँ। It's 6:50 in the morning and I'm about to reach Mahamaya flyover within around 20 to 25 minutes. और वहाँ से फिर हम लोग Jewar के लिए निकलेंगे। Jewar is on expressway. काफी खाली road है, काफी अच्छा stretch है bike चलाने के लिए। तो चलिए Jewar चलते हैं। मैं अभी धौलाकुआं रोड पे हूँ। यहाँ देखिए सारी गाड़ियाँ कितनी स्लो हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीडिंग कैमरास लगे हुए हैं। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग 50 से ऊपर जाएंगे, 50 या आई थिंक थोड़ा सा ग्रेस देते हैं, 55-60 तक दे देते हैं, तो पूरी संभावना है कि आपके घर पे 2000 रुपये का चलान आ जाएगा। आपको मैसेज के थ्रू ही आ जाएगा कि आपका 2000 रुपये का चलान हुआ है। तो यहाँ दो दो कैमरे लगे हैं, अगर आपने दोनों कैमरे ओवर स्पीड पे काटे तो आई थिंक 2001 और 2001 4000 रुपये का चलान आपके घर आ जाएगा। तो सारे लोग कितने सही हो गए हैं। तो ट्रैफिक रूल्स वैसे भी फॉलो करने ही चाहिए हम लोग को, सबकी भलाई के लिए ही होता है। बट स्पीड कुछ ज़्यादा ही कम है 50 की, या इस बाइक पे लगती है क्योंकि इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है कि 50 की स्पीड तो फर्स्ट गियर में ही हो जाती है, उससे ज़्यादा ही हो जाती है। बट कोई नहीं, रूल्स हैं तो फॉलो तो करने ही पड़ेंगे। गाइस, एक बात के लिए मैं आपको दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ कि मैंने तो ये YouTube पे चैनल जो बनाया था लॉकडाउन के अंदर शुरू ही किया था कि बस अपनी मेमोरीज इकट्ठी करता हूँ और आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। बट आप लोगों ने बहुत 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 प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया कि अराउंड 14-15 डेज में ही मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। और बस यही अब यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, जो प्यार आपने बनाया हुआ है इसको आगे भी बनाए रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तो इससे तुम काफ़ी मोटिवेशन मिलती ही है। तो अभी बस शायद होपफुली कोरोना वायरस का पेंडेमिक ख़त्म होगा तो मैं कुछ अच्छे अच्छे राइड प्लान कर रहा हूँ, तो आपको बहुत राइड कराएंगे, अभी बहुत घूमेंगे। मेरा खुद का ही मतलब बगैर राइड के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं डिप्रेशन में ही आ गया हूँ कि भाई कर क्या रहा हूँ मेरी लाइफ में। और क्योंकि आई रियली लव मोटरसाइकिल्स एंड आई रियली रियली लव राइडिंग, मतलब हिल्स में पहाड़ों में चलाना तो मुझे बहुत बहुत पसंद है। सो वी आर अबाउट टू रीच महामाया फ्लाई ओवर। यहाँ पर मुझे दो राइडर्स मिलेंगे, एक तो वो ऋतुराज सिंह और एक हमारे लाला जी। मैं थोड़ा सा अपने प्रॉमिस टाइम से अप्रॉक्सीमेटली 5-10 मिनट्स लेट हूँ, सो कोई बात नहीं, सॉरी बोल देंगे कि भाई लेट हो गए। आई थिंक ऋतुराज इज स्टैंडिंग हेयर, ये रहे दोनों। हेलो लाला जी, साइड लगानी है। सो गाइस, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम महामाया फ्लाईओवर। एज यू कैन सी कि धीरज और ऋतुराज ने हमें ज्वाइन कर लिया है एंड टू मोर राइडर्स आर जॉइनिंग अस। एक्सप्रेस वे की एंट्री पे वो हमें मिल रहे हैं, तो फिर हम लोग Jewar जाएंगे। आज धूप लगता है काफ़ी जल्दी आ गई है, यूजुअली इतनी जल्दी आती नहीं, या आज मौसम कुछ क्लियर है बिल्कुल, आज बारिश का कोई सीन लग नहीं रहा। तो चलिए एक्सप्रेस वे चलते हैं बस, और 2-4-5 मिनट के अंदर एंट्री हो जाएगी हमारी एक्सप्रेस वे में। फिर Jewar जाएंगे, वहाँ पर थोड़ी देर 5-10 मिनट रिलैक्स करके और फिर वापसी। शॉर्ट राइड ही है, कोई खास बड़ी राइड नहीं है, सो बने रहें। सो गाइस, वी हैव एंटर्ड यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे ये रोड सीधा आगरा को जाता है, तो मोस्टली सब लोगों को पता ही है जो दिल्ली NCR में रहते हैं। और इस रोड पे पहले मैं बहुत आता था राइड करने, जब बैक इन 2015 मेरे पास हायाबुसा होती थी तो उस बाइक को यहाँ पर भगाने का बहुत मज़ा आता था। सो गाइज, वी हैव रीच हाईवे मसाला। ये एक फूड जॉइंट है यहाँ पर, उस पर
जेवर पे। हमें अब पहुंच गए हैं, यहाँ काफ़ी सारी बाइक्स आई होंगी होपफुली, क्योंकि यहाँ काफ़ी बाइक्स आती हैं यूजुअली, काफ़ी लोग आते हैं इधर संडे राइड करने के लिए। तो हम भी बस पहुंच गए हैं। दिस इज़ हाईवे मसाला, आप देखिए कितनी सारी बाइक्स हैं ऑलरेडी इधर, ऑलरेडी काफ़ी बाइक्स हैं। गुड गुड, आज हम थोड़ा लेट हैं, ये लोग टाइम से आए, आई थिंक कोई ग्रुप आया हुआ है। सुपर बाइक्स ही सुपर बाइक्स, वाओ। हेलो गाइस, वी हैव रीच जेवर। तो ये रे धीरज भैया हमारे, कुछ खाना खाते हुए, बाकी के लोग आज वापस इतना टाइम बाद इस जगह पर आए हैं, और बहुत ही कुछ ऐसा खाली खाली सा लग रहा है, सिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इस कोरोना वायरस ने जब पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर दी लोगों की, पता ही नहीं क्या होगा, कब होगा ये ठीक। आ जाओ लाला जी, आ जाओ आ जाओ। सो गाइस, वी हैव स्टार्टेड बैक, अब वापस घर की तरफ चले हैं। आज थोड़ी धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी का माहौल हो गया। ये हमारे लाला जी ऑफ रोडिंग करते हुए, हेलो करो लाला जी। आए वो ऋतुराज सिंह जी जा रहे हैं, ये देखो लाला जी फिर खड़े हो गए हैं। हार्डकोर ऑफ रोडर, हार्डकोर। प्लेन रोड पे भी, टारमैक पे भी ऑफ रोडिंग करते हैं ये, इनको टारमैक पे भी ऑफ रोडिंग की फील आती है। बस अभी यहाँ से आगे टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा से यू टर्न लेके सीधा घर के लिए। गर्मी होगी आज काफ़ी, बहुत दिन बाद इस रोड पे आए, थोड़ी ग्रीनरी देखने को मिली और कुछ चाय वाय पी हम लोगों ने। बस अब वापसी की तरफ है। हमने यू टर्न ले लिया है और अब हम लोग वापसी की तरफ चल पड़े हैं। और इस रोड की ना एक खासियत है कि थोड़ी सी फील आती है इस रोड पे चलाने की, मतलब खाली खाली है, ट्रैफिक कम होता है, तो बाइक एक खुल के चल पाती है, एक स्ट्रेच मिलता है बाइक को चलाने का। मतलब बाइक जो जिस चीज़ के लिए बनी है, मतलब अच्छे रूट्स के लिए, लंबा जाने के लिए, तो वो थोड़ी सी यहाँ फील आती है। नहीं तो दिल्ली में तो अदरवाइज इतना ट्रैफिक है कि इतनी हैवी बाइक को चलाना एक टास्क हो जाता है, गर्म होने लग जाती है बाइक को, इंजन बड़ा है और आगे हवा नहीं लग पाती रेडिएटर पे, तो जिस वजह से गर्म होती है। इस रोड पे ना सिर्फ ये फील आ जाती है कि हम किसी बढ़िया सी जगह पे बाइक चला रहे हैं, तो इसी वजह से बाइकर्स यहाँ ज़्यादा आना पसंद करते हैं। जिनकी सुपर बाइक्स दूसरी हैं, लीटर क्लास है, इनलाइन फोर है, उनको और ज़्यादा इशू है, वो और ज़्यादा गर्म होती हैं। मेरी बाइक तो टचवुड बहुत कम गर्म होती है, ये बाइक एक्चुअली ऑल टेरेन बाइक है, किसी भी टेरेन पर जाने के लिए बनी है, तो इस वजह से इसके अंदर इतना इशू नहीं है। तो फिर भी बट एक थोड़ा सा स्ट्रेस मिलता है, खुली हवा मिलती है, मतलब एक जो बाइकर कनेक्ट करता है अपने आप को रोड से, वो इस रोड पे थोड़ी सी फील आती है। नहीं तो दिल्ली के अंदर तो वही ट्रैफिक, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई ऑटो आ रहा है, कोई ई रिक्शा आ रहा है, वो सब चीज़ें चलती रहती है। तो आज थोड़ा सा आके रिलैक्स सा लग रहा है कि थोड़ी देर बाइक को मेरा मी टाइम मिल गया कि हाँ ये मेरा टाइम है मेरे बाइक के साथ। बिकॉज जो भी एक बाइकर होता है ना, वो अपनी बाइक को अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ की तरह रखता है, तो मेरे लिए भी ये वही है। तो इसके लिए साथ मेरे को मेरा पर्सनल टाइम मिल जाता है कि हाँ ये पर्सनल टाइम मिला मेरे को, मेरी बाइक के साथ चलाई मैंने, इसको फील किया, इसकी पावर को फील किया। बस यही इस रूट की खासियत है, दूर दूर तक हरियाली है, देख सकते हैं आप, खेत हैं चारों तरफ और ये बीच में बढ़िया सा रोड है। बट इसके अंदर लोग क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलाने लग जाते हैं बाइक को, जिस वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि घर पे फैमिली आपकी वेट कर रही है, हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड ना करें, हमेशा सेफ चलाएं। बिकॉज ज़रा सी थोड़ी सी देर की गर्मा गर्मी के चक्कर में कई बार ऐसा नुकसान हो जाता है कि जिसकी कॉस्ट भरनी मुश्किल हो जाती है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखते हुए ही राइडिंग करें। My skin, I feel so empty.
TND पार करके वापस हम लोग आ गए हैं, अपना दिल्ली के अंदर एंटर कर लिया है। तो आज की राइड में सब लोग अपने घर चले गए, वो उसी साइड रहते थे, कुछ लोग गाज़ियाबाद के थे, कुछ नोएडा के ही थे, मैं अकेला ही दिल्ली का हूँ, तो मैं तो अपना दिल्ली वापस जा रहा हूँ। तो आज की राइड में भी मज़ा आया काफ़ी, बहुत टाइम बाद खुली हवा, मतलब वो सब फील करने का मौका मिला। तो राइड है तो राइड तो लाइफ है, ये तो चलती रहेगी, करनी ही है आगे भी। बस अब हिमाचल जाने का मन कर रहा है, हिमाचल इज़ कॉलिंग मी, मुझे हिमाचल सिकनेस हो गई है, बिकॉज हिमाचल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस, ऑल टाइम फेवरेट। उसके जैसी ब्यूटी ना पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है जो हिमाचल में ब्यूटी है, नेचर की ब्यूटी, वैसे ब्यूटी, सारी ब्यूटी जो है वो हिमाचल में ही है। तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, खाना बहुत अच्छा है, फ्रेंडली नेचर, और नेचर तो खैर वैसा कोई है ही नहीं कहीं पे। तो मुझे तो हिमाचल सिकनेस हो गई है, बट अभी ड्यू टू लॉकडाउन हिमाचल में एंट्री है नहीं, और कोविड का सर्टिफिकेट वगैरह वो चलो वो सब भी अरेंज हो जाए, बट इस तरीके से राइड में मज़ा नहीं आएगा ना, कि हम लोग जा रहे हैं राइड में एक प्लेजर के लिए और वहाँ पर फिर जाके फंसने वाला काम हो जाए, बाहर घूमने में दिक्कत, सब दिक्कत। तो बस मन को समझा के बैठा हूँ, होपफुली चीज़ें ठीक होंगी, हिमाचल का रास्ता खुलेगा तो कसौल जाऊँगा, चिल मारूँगा अपने फ्रेंड्स के साथ, 2 नाइट्स का स्टे बनाएंगे, या फिर उत्तराखंड भी कर सकता हूँ, उत्तराखंड भी बहुत सुंदर जगह है। उत्तराखंड में मुझे ओली वाली साइड जाऊँगा, जोशी मठ पार करके हो सकता है केदारनाथ भी चला जाऊँ, कहीं भी जाएंगे, मतलब एक अच्छी राइड आने वाली है बहुत जल्दी। बस आप लोग दुआ करें कि चीज़ें ठीक हों। देखिए स्पीड कैमरा लगा हुआ है, यहाँ बहुत ध्यान से निकलना पड़ता है, नहीं तो 2000 रुपये का चलान घर पर भर देते हैं, भेज देते हैं। अभी मेरे को लग रहा है मेरा शायद कट ही ना गया हो, 65 पे थी, अब क्या पता कितनी स्पीड अलाउड है इधर, 60 है या 60 से ज़्यादा है, बिकॉज एक्सप्रेस वे पे 100 तक अलाउ कर देते हैं। अब ये तो एक्सप्रेस वे तो नहीं है, यहाँ पर आई थिंक 60 ही होगी, अब देखेंगे जो भी होगा, चलाना होगा या नहीं होगा, नहीं ध्यान रहता इतना, तो थोड़ी बहुत 5-10 का तो ऊपर नीचे हो ही जाता। तो बस राइड करेंगे और खूब आप लोग भी साथ रहिए। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बस अब मैं घर ही जाऊँगा, दिल्ली का रास्ता तो आप लोगों ने देखा ही हुआ है, और जो मेन हमने राइड करनी थी वो कर ली। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप लोग से, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोग ऑलरेडी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जो नए लोग ऐड हो रहे हैं उनसे भी यही है कि बस सपोर्ट करें, शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम ID इज़ arun_sikri arun_sikri। और लेते हैं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे अगली राइड पे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।